हाल ही में कई दिनों से सुर्खियों में बने शमशान भूमि कब्जे को लेकर प्रशासन काफी परेशान नजर आ रहा था। आज राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन की पैमाइश की और वहां बने अवैध कब्जों को नगर पंचायत गोवर्धन की सहायता से कब्जा मुक्त कराया। इस जमीन को नगर पंचायत के सुपुर्द किया, इसकी जानकारी लेखपाल अवस्थी ने दी। नगर पंचायत सभासद मोनू ठाकुर ने बताया कि ये जमीन 50 साल पहले ठाकुर समाज को प्रशासन के द्वारा शमशान भूमि के लिए दी गई थी, मगर कुछ लोगों ने यहां पर अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की थी। ठाकुर समाज के लोगों को परिक्रमा मार्ग स्थित गिरिराज तलहटी में अंतिम संस्कार करना पड़ रहा था। वहीं कुछ ठाकुर समाज के लोगों को अपने खेतों पर बुजुर्गों का दाह संस्कार करना पड़ता था। इसी को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इस संबंध में लेखपाल और नगर पंचायत सभासद मोनू ठाकुर ने जानकारी दी। क्या नाम है आपका? मैं नगर पंचायत गोवर्धन से वर्तमान सभासद हूं, मोनू ठाकुर जी। आज जैसा कि यहां पे आज नापतोल करने के लिए राजस्व मीटिंग आई हुई है, क्या मामला है? ये शमशान भूमि है, करीब 50 साल से यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है। बाढ़ आने के कारण पहले गिरिराज जी तलहटी में हम लोग दाह संस्कार करते थे, तो अब वहाँ पे एनजीटी को आदेश को लेकर रिसर्च अधिकारी ने वहाँ पे वो बोर्ड लगा दिया है और यहाँ पे हम अपना कार्य चालू करना चाहते हैं। शमशान भूमि है नहीं इस समय, कुछ लोग अपने खेतों में लेकर दाह संस्कार कर रहे हैं और उसकी वजह से सब लोग परेशान हैं। तो पूरी समाज यहाँ पर आई है और अब यहाँ पे शमशान भूमि का निर्माण के लिए सब लोगों ने कदम उठाया एक साथ में, नगर पंचायत भी साथ। तो जैसा कि आज यहाँ पे राजस्व की टीम आई है, क्या आपकी जगह पूरी निकल पाई? शमशान की जो जमीन बताई जा रही थी और इस पर अवैध कब्जे भी बताए जा रहे थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी पैमाइश चल रही है, अभी तो अभी लेखपाल जी भी इधर हैं, सब लोग अभी पैमाइश चल रही है। अभी पैमाइश के बाद 17 दिन के एक 56 है, इसका रकबा 108 है और बंजर का नंबर है 40 है। उसकी पैमाइश पर निशान भी कर दी गई और जेसीबी करके उसमें कंप्लीट कर दी पैमाइश। और रकबे के अनुसार मौके पर रकबा कब्जा टाउन एरिया के लिए दे दिया जी। वो अपना हाँ पीछे की तरफ बंजर भूमि का टुकड़ा जिसमें बाउंड्री लगी हुई, उस पर निशान लगा दिए। अभी उसमें